हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर वन, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। जागृति स्कूल के लिए ईंटों की आकृति। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। यह जागृति स्कूल की सत्य कहानी है। कहाँ? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. जब यह बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तब दीवारों और मंजिलों पर ईंटों के पैटर्न बनाने के लिए एक प्लान बनाया गया। जमाल, कालू एंड पियार वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। जमाल, कालू एंड पियार कारीगर थे ईंटों का कार्य करने के लिए। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वे स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए नए तरीके चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। क्योंकि ये तीनों बिल्डिंग बनाने के लिए नए आइडियाज़ लेना चाहते थे, इसलिए ये अपने दोस्तों को मुर्शिद कुली खान का जो टॉम्ब है उसे दिखाने के लिए लेकर आए। देखिए, ये है मुर्शिद कुली खान का टॉम्ब। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। यह बिल्डिंग 2000 ईंटों से एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। दीज वर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स एगो। ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, इसे लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज फाइव फ्लोर पैटर्न्स। देखिए, इन फाइव फ्लोर पैटर्न्स में ईंटों को कैसे जमाया गया है, तो देखते हैं। देखिए, नंबर वन, इसमें ब्रिक्स को इस पैटर्न में जमाया गया है। इसमें पैटर्न चेंज हो गया है, देन अगेन चेंज। पिक्चर नंबर फोर, इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज। अब इसमें पूछा गया है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन से फ्लोर का पैटर्न सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो आप बता सकते हैं आपको कौन सा पैटर्न सबसे अधिक पसंद आया। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। क्या आपने ऐसे पैटर्न्स कहीं और देखे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेसन्स केम बैक एक्साइटेड। मेसन्स उत्साहित रूप से वापस आए। जमाल सैड, आह, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। देखिए, जब उन्होंने ये पैटर्न्स देखे, तो वो जो मिस्त्री थे वो बहुत ही उत्साहित हुए और उन्होंने कहा, वाओ, उन दिनों में कितनी इंटरेस्टिंग ईंटों के पैटर्न बनाए गए थे।
We had forgotten these. Let us make some nice designs on the floor of this school. हम इन्हें भूल ही गए थे. चलिए इस स्कूल के फ्लोर में हम कुछ अच्छी डिजाइन बनाते हैं, सुंदर डिजाइन बनाते हैं. ईच मेजन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. प्रत्येक मिस्त्री ने एक अलग पैटर्न बनाया. किसका? ईंटों का. द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. स्कूल को इतनी सुंदर बिल्डिंग होने पर गर्व है. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्व्स. बच्चे इसमें गाते हैं और खेलते हैं एंड स्वयं से नए तरीके भी बनाते हैं. देखिए अब इसमें ये आगे फिर से न्यू पैटर्न्स दिए गए हैं ब्रिक्स के. इनको हम देख सकते हैं और नीचे हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आइए हम वो पढ़ते हैं. विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल. इसमें पूछा है कि कौन सा पैटर्न एक गोल वृत्त में बनाया गया है. देखिए ये जो जे वाला पैटर्न है ये हमारा सर्किल में बनाया गया है. क्या आपको और कोई पैटर्न सर्किल वाला दिख रहा है? हाँ एक इसमें भी सर्किल है, नंबर ई में. बट जे वाला टोटली सर्किल में बनाया गया है इसलिए हमारा आंसर जे होगा. इन विच पैटर्न कैन यू सो मिरर हेल्प्स ड्रॉ अ लाइन. आप किस पैटर्न को शीशे में दो हिस्सों में दिखने वाले पैटर्न के रूप में देख सकते हैं? नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स. अब आप स्वयं से कुछ न्यू पैटर्न्स बनाइए. हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक. ईंट की आकृति को कैसे बनाएं? दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक. ये है दो फोटोज हैं एक ही ईंट के. आप देख सकते हैं ये डायग्राम दिए गए हैं. इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक. पहले पिक्चर में हम ईंट का केवल एक ही फेस देख सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है. इन द अदर वी कैन सी थ्री फेजेस. और जो ऊपर दिया गया है उसमें हम ईंट के थ्री फेजेस देख सकते हैं, अर्थात जो ईंट रहती है उसके थ्री पार्ट्स हमको दिख रहे हैं. सर्किल द फोटो शोइंग थ्री फेजेस. जिस फोटो में ईंट के तीन भाग दिख रहे हैं उस पर हमें सर्किल बनाना है. तो आइए बनाते हैं. देखिए हमने ये सर्किल बना दिया है. इस पर हाउ मैनी फेजेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव. एक ईंट में सभी कितने भाग होते हैं, कितनी सतहें होती हैं? तो एक ईंट में छह सतहें होती हैं. इज एनी फेज अ स्क्वायर. क्या ईंट का कोई भाग वर्ग होता है? हाँ ईंट का ईंट में दो भाग होते हैं जो वर्ग होते हैं. ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक. तो जो ईंट का जो सबसे छोटा भाग होता है वही वर्ग भी होता है, उसे बनाइए. विच ऑफ दीज आर द फेजेस ऑफ अ ब्रिक मार्क. ये जो डायग्राम हमें दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से एक ईंट के फेजेस हैं उनको हमें मार्क करना है.
तो देखिए, ईंट का एक फेस ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। Which of these is a drawing of a brick? इन डायग्राम्स में कौन सा एक ईंट का डायग्राम है? तो इसमें ईंट का डायग्राम ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Make a drawing of this box to show three of its faces. देखिए, अब ये आपको जो आपका बॉक्स रहता है जिसमें आप पेन, पेंसिल, इरेजर रखते हैं, उस वो दिया गया है। तो हमें इसके थ्री फेजेस बनाना है। तो इसके हम थ्री फेजेस जैसे हम ईंट के बनाते थे ऐसे ही इसके भी हम बना सकते हैं। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज फोर ऑफ इट्स फेजेस? क्या आप ईंट का ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें ईंट के चार पार्ट्स दिखते हों? हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, एक दीवार जो गिरेगी नहीं। वन डे मुनिया एंड जैनाव आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। एक दिन मुनिया और जैनाब ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल, प्रत्येक ने अलग अलग दीवार बनाई। देखिए, ये डायग्राम में दिया गया है, ये जो लेफ्ट साइड की है ये जैनाब ने बनाई है, जो राइट साइड की है ये मुनिया ने बनाई है। जैनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजिली। जैनाब कहता है, सॉरी कहती है, जैनाब इज अ गर्ल, जैनाब कहती है कि उसकी वॉल ईजीली नहीं गिरेगी। मेजन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। देखिए, जो मकान बनाने वाले मिस्त्री रहते हैं वो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखते हैं जैसे कि मुनिया ने किया है। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Which wall will be stronger? कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत है? तो देखिए, इसमें जो जैनाब ने बनाई है वो दीवार ज़्यादा मजबूत है, बिकॉज इसके टूटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें एक ईंट के ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई है। जो मुनिया ने दीवार बनाई है उसे आसानी से गिराया जा सकता है, बिकॉज इसकी ईंट एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी गई है। इसके जो कट हैं उन्हें कैंसिल नहीं किया गया है, जबकि जैनाब की दीवार के कट कैंसिल कर दिए गए हैं। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न्स। अब जो आपने विभिन्न प्रकार के तरीकों से बनी हुई दीवारें देखी हैं उन्हें ध्यान से देखिए। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, विभिन्न प्रकार के दीवारों के पैटर्न। हियर आर फोटोज ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। यहाँ ईंटों की दीवार के तीन प्रकार दिए गए हैं। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। क्या आप जिन तरीकों से ईंटें जमाई गई हैं उनमें अंतर ढूंढ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनमें अंतर दिया गया है। देखिए, इस पैटर्न में ईंटों को अलग तरीके से रखा गया है। इसमें फिर चेंज है एंड इसमें अगेन चेंज। नाउ मैच द फोटोज ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग ग्लो। अब हमें जो नीचे ऊपर वाली वॉल के ड्राइंग दिए गए हैं उनसे मैच करना है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे मैच हो रहे हैं। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, एक
ब्रिक जाली से देखना अर्थात ईंटों से जो जाली बनाई जाती है उसमें से देखना। देखिए, द मेसन्स हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल्स। जो मकान बनाने वाला था, जिसने जागृति स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी, उसने जाली के कुछ पैटर्न भी दीवारों पर बनाए हुए थे। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो अलग अलग डिजाइन में बनाए गए हैं। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज टू फोटोज। आप इन दो फोटोज में कितने प्रकार के जाली पैटर्न देख सकते हैं? तो देखिए, इसमें हम टू से थ्री टाइप्स के जाली पैटर्न देख सकते हैं। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनादर ब्यूटीफुल जाली। ये एक और बहुत सुंदर जाली का पैटर्न है जो इसमें दिखाया गया है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रोन ब्लो। देखिए, नीचे जो आपको ब्लैंक जाली दी गई है, इसमें आपको रेड कलर से या और कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनसे आपको इसमें इसको कलर करना है और अपनी मनपसंद जाली का पैटर्न बनाना है। आप अपनी बुक में बना सकते हैं। कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। स्कूल की इस फोटो में क्या आप एक खिड़की या झरोखा देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसमें दिख रहा है। देखिए, ये जो पैटर्न ऊपर दिखाया गया था, जिसमें आपको ब्लैंक जाली दी गई थी, इसमें आप पहले पेंसिल से बनाइएगा, देन उसके बाद कलर कीजिएगा, पेंसिल वाला साफ करके देन उसको कलर कीजिएगा, तो आप देख पाएंगे कि हमें कैसा पैटर्न बनाना है। इससे आपकी जो बुक में जो ब्लैंक जाली है वो ख़राब नहीं होगी। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल पेपर वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। ये जो हमको जाली दी गई है, इसमें हमें ब्लैक कलर से झरोखा पैटर्न बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये जाली जो आपको पैटर्न दिखाई गई है, इसमें जो डिज़ाइन है वह लाइब्रेरी की है जो कि केरला में है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। देखिए, इसमें ट्रायंगल को बनाने के लिए ब्रिक्स की कैसे किनारे बनाई गई हैं, ये जो आपको इसमें दिखाया गया है, ऐसे करके इसको बनाया गया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Have you seen bricks that look like triangles? क्या आपने ऐसी ईंटें देखी हैं जो ट्रायंगल के जैसे दिखती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ये इसमें दिखाई गई हैं। Look at the bricks around the tree in this photos. हम इस फोटो में देख सकते हैं। Do you see the arc in this photo? क्या आपने इस फोटो में ये कर्व देखा, आर्क देखा? ये जो इसमें ऐसे ग्रीन कलर में जैसी डिजाइन आपको दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हम आर्क।
दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद, ये फैज़ाबाद के स्कूल से ली गई है। फाइंड आउट, ढूंढकर निकालिए अथवा खोजिए। लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम, अपने आसपास अन्य आर्क को देखिए, अन्य कर्व या वक्रों को देखिए और उन्हें अपनी कॉपी पर बनाइए। हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज, क्या आपने किसी पुल में आर्क को या वक्र को देखा है? हाँ, ऐसे ब्रिज में वक्र बनाया जाता है। वेयर एल्स हैव यू सी एन आर्क, आपने कहाँ ऐसा आर्क या वक्र देखा है? याद कीजिए, आपने कहाँ ऐसा वक्र देखा है? अ स्पेशल आर्क, एक विशेष वक्र। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा सी हाउ द आर्क इज मेड, इस फोटो में जो ओरछा से लिया गया है, देखिए कैसे आर्क इसमें बनाया गया है। इट हैज अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विद अ व्हील, इसका एक बहुत प्यारा नाम है, घूंघट वाली मेहराब, घूंघट वाली मेहराब इसका नाम है। Isn't the jali of this window beautiful? इसकी खिड़की में जो जाली बनाई गई है, क्या वह सुंदर नहीं है? है, बहुत सुंदर है। It is made of thin bricks, इसे पतली ईंटों से बनाया गया है। Have you ever seen thin bricks? क्या आपने पतली ईंटों को कभी देखा है? Look around, आप कहीं भी जाते हैं तब आप ध्यान दे सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैटर्न और दिस इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमाल एंड कालू द मेजन्स ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स। जमाल और कालू जागृति स्कूल को बनाने वाले मिस्त्रियों ने कहा, उनके जो दादाजी थे उन्होंने ईंटों के कई प्रकार यूज़ किए थे। सम ऑफ दीज आर सोन इन दिस फोटोज, उनके कुछ प्रकार इस फोटो में दिखाए गए हैं। देखिए, ये जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये ईंटों के प्रकार हैं। ये आप इसमें थिन ब्रिक्स देख सकते हैं और ये इसमें कुछ डिजाइनर भी दिखाई गई हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, इनमें से किस ईंट में वक्र किनारे, वक्रीय किनारे हैं? तो आप देख सकते हैं कि इन ईंटों में हमें वक्रीय किनारे दिख रही हैं। How many faces do you see of the longest brick? सबसे लंबी ईंट में आप कितनी faces देख सकते हैं या कितनी सतहें देख सकते हैं? तो ईंट चाहे कितनी ही लंबी हो, उसमें सतहें नॉर्मली 6 ही रहती हैं। Is there any brick which has more than 6 faces? क्या यहाँ पर ऐसी कोई ईंट है जिसमें 6 से ज़्यादा सतहें हों? Find out the size of a brick, खोजिए एक ईंट का साइज या ईंट का आकार। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस,
क्या आपने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। एक ईंट लीजिए और इसको नापिए। हाउ लॉन्ग इज इट? यह कितनी लंबी है? हाउ वाइड इज इट? यह कितनी चौड़ी है? हाउ हाई इज इट? यह कितनी ऊंची है? आपको एक ईंट लेना है, उसको नापना है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें लिखना है अपनी बुक में। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 meter लॉन्ग। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन? मुनिया एक दीवार बनाना चाहती है 1 meter लंबी। उसे एक लाइन में कितनी ईंटें रखनी होंगी? ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। ईंटें और ईंटें, नई और गरम। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड। गणेश और साहिबा एक किन के पास में रहते हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? इज इट? क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिमनी लगी हुई है वो कितनी ऊंची है? अबाउट 5 meters, अबाउट 15 meters, अबाउट 50 meters। ये जो चिमनी इसमें दिख रही है हमें इसकी ऊंचाई को गैस करना है कि ये कितनी ऊंची है। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स कैप्ट आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। गणेश और साहिबा को पसंद है कि ईंटें जो लंबी लाइन बना के सूखने के लिए रखी जाती हैं उनको देखें। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। ईंटें कैसे बनाई जाती हैं वह देखना पसंद करते हैं। हेयर आर 4 patterns फ्रॉम द ब्रिक किन। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। लुक एट देम केयरफुली। देखिए यहाँ 4 photos हमें दिए गए हैं ईंटों के भट्टे के। इन्हें ध्यान से देखिए और इन्हें आप जमा भी सकते हैं। जैसे इसमें जो सबसे पहले मिट्टी निकाली जाती है, देन उसको ऐसे इसका जो सांचा रहता है उसमें डाला जाता है, फिर उसके बाद सांचे में से ईंट निकाली जाती है, उसके बाद ऐसे ईंटें बनकर हमारी रेडी हो जाती हैं। तो हमारा क्या पैटर्न बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा? CDBA। CDBA। How do you think a brick is made out of soil dug from the earth? Look at the pictures and discuss in groups. हम क्या ये सोच सकते हैं कि मिट्टी जो ज़मीन से निकाली जाती है क्या उसी मिट्टी से ईंटें बना दी जाती हैं या उसमें कुछ और मिलाया जाता है? आप फोटो देख सकते हैं और ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। हैव यू सीन अ ब्रिक किन? क्या आपने ईंटों का भट्टा देखा है? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप्ट देयर? जो ईंटें भट्टे के पास रखी रहती हैं क्या आपने कभी उनको गिनने का सोचा है? देयर आर मैनी
many brick kilns in India. Thousands of them. भारत में ईंटों के कई भट्टे हैं. More than 100,000. 100,000 से भी ज़्यादा. Can you imagine how big this number is? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह नंबर कितना बड़ा है? 100,000 means equal to 1 lakh. जो हमारे 100,000 होते हैं वो हमारे 1 lakh के बराबर होते हैं. This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? क्या आप इसको लिख सकते हैं? Ask your friends where they have heard of a lakh. अपने दोस्तों से पूछिए क्या उन्होंने 1 lakh नंबर सुना है कभी? Find out. खोजिए. Look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. इन फोटोज़ में देखिए और गैस कीजिए, अर्थात सोचिए इस ट्रक में कितनी ईंटें रखी हुई हैं. Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. आप ट्रक ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं कि वह एक बार में कितनी ईंटें ले जा सकते हैं अथवा ले जाते हैं. Mental math. वजन वाइज ब्रिक्स. वजन ने ईंटें खरीदी या वजन ईंटें खरीदता है. वजन वेंट टू बाय ब्रिक्स. वजन ईंटें खरीदने जाता है. द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स. ईंटों को खरीदने का मूल्य दिया गया है. द पीस द प्राइसेज वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. विभिन्न प्रकार की ईंटों के अलग अलग मूल्य नीचे दिए गए हैं. ओल्ड ब्रिक्स ₹1200 फॉर 1,000 ब्रिक्स. पुरानी ईंटों को ₹1200 में 1,000 ईंटें दी जाती हैं. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंटापुर. नई ईंटें इंटापुर से ₹800 फॉर 1,000 ब्रिक्स. ₹1800 1,000 ईंटों के दिए. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. नई ईंटें ब्रिकाबाद से ₹2000 फॉर 1,000 ब्रिक्स. अर्थात 1,000 ईंटें जो हैं आपको ₹2000 में मिलेंगी. भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. भजन ने नई ईंटें ब्रिकाबाद से लेने का निर्णय लिया. ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. उसने 3,000 ईंटें खरीदी. हाउ मच डिड ही पे. वह कितना उसने कितना पे किया या उसने कितने रुपए दिए? तो देखिए, उसने ब्रिकाबाद से 3,000 ईंटें खरीदी हैं. इट मीन्स वह 2,000 के हिसाब से 6,000 रुपीस पे करेगा. गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही वाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स. अब सोचिए कि यदि वह पुरानी ईंटें 500 खरीदता तो उसे कितने रुपए देने होते? तो पुरानी ईंटों का 1,000 ईंट का रेट है ₹1200. तो 500 ब्रिक्स का रेट हो गया ₹600. तो भाई 500 ओल्ड ब्रिक्स के लिए ₹600 पे करेगा. तो इन दिस वे आर चैप्टर 1 इज़ कंप्लीटेड. थैंक यू.